नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हूँ तमने धोरण 5 हिंदी विषय में यातायात पाठ विषय समझाश जेनु साहित्य स्वरूप है चित्रपाठ। तो आप सभी पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 1 पर देख सकते हैं कि यातायात चित्रपाठ दिया गया है। चित्रपाठ में एक पहला चित्र है, बागीचे का चित्र है, आप सभी इस बुक में देख सकते हैं। आप सभी को भी अपनी पाठ्य पुस्तक में यह चित्र निकालना है। चित्र को आपको देखना है और समझना है कि इसमें क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से साधन दिए गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि यह चित्र है, बागीचे का चित्र है। तो बागीचे में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो हम देख सकते हैं कि बागीचे में हमें कई सारे फूल दिख रहे हैं, बेंच पर बैठे हुए दो लड़के दिख रहे हैं, बागीचे की बाजू में एक सड़क है, सड़क पर कई सारे यातायात के साधन दिख रहे हैं। यातायात के साधन मतलब क्या, तो यातायात के साधन यानी कि वाहन व्यवहार। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम जो कोई साधन का उपयोग करते हैं उसे यातायात कहते हैं। उसके बाजू में एक रेल की पटरी है, उस पर रेल चल रही है, और आसमान में हमें यातायात के दो और साधन दिख रहे हैं। विस्तार से हम देखेंगे कि चित्रों में हमें क्या दिख रहे हैं। फूल दिख रहे हैं, तो फूल कौन कौन से है वो हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चित्रों में गुड़हल का फूल है, सूरजमुखी, हजारीगर यानी के गलगोटो, तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे गेंदा। उसके बाद कमल का फूल है, उसके बाद मोगरा है, चमेली का फूल है, चंपा का फूल है। और सड़क पर हमें कौन कौन से यातायात के साधन दिख रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि सड़क पर हमें एक कार दिख रही है, स्कूटर दिख रहा है और मोटरसाइकिल दिख रही है, और रेल की पटरी पर हमें रेल दिख रही है, रेल यानी कि ट्रेन, उसको रेलगाड़ी भी कह सकते हैं। आसमान में हम देख सकते हैं कि हमें हेलीकॉप्टर और विमान दिख रहा है। तो हम फूल के नाम लिखेंगे, कौन कौन से फूल हमें चित्रों में दिख रहे हैं, आप सभी को भी मेरे साथ लिखना है। तो हम सब देख सकते हैं कि चित्र में हमें कौन कौन से फूल दिए गए हैं, उस सभी के नाम हमें लिखना है। तो देखो पहला फूल कौन सा है, तो के गुड़हल। उसके बाद का चित्र है सूरजमुखी। उसके बाद का चित्र है मोगरा। और कौन कौन से फूल दिए गए हैं, तो हम देख सकते हैं कि चंपा का फूल दिया गया है। उसके बाद हमें कौन कौन सा फूल दिया गया है, तो कि गुलाब। उसके बाद कौन सा फूल गया दिया गया है, तो कि चमेली। उसके बाद कौन सा फूल दिया गया है, गलगोटा यानी उसको हिंदी में कहेंगे गेंदा। अब हम ये देखेंगे कि यातायात के कौन कौन से साधन हमें दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सड़क पर हमें कौन कौन से यातायात के साधन दिख रहे हैं, यातायात यानी कि वाहन विहार। तो हम देख सकते हैं यातायात के कौन कौन से साधन है, तो के मोटर कार, उसके कितने पहिए होते हैं, तो के चार। उसके बाद का चित्र है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल उसके बाद का चित्र है स्कूटर।
उसके बाद हम देख सकते हैं कि आसमान में हमें और कौन कौन से साधन दिख रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि आसमान में हमें हेलीकॉप्टर, और विमान दिख रहे हैं। विमान को हम हवाई जहाज भी कह सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि पटरी पर हमें क्या दिख रहा है। तो कि पटरी पर हमें रेल दिख रही है। इसी तरह आप सभी ने यातायात के साधनों के बारे में जाना और पहले चित्र के आधार पर हम अभ्यास देखेंगे। अभ्यास में हमें क्या दिया गया है? अभ्यास में हमें दिया गया है कि प्रश्न नंबर एक, उसमें कहा है कि चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। तो आप सभी देख सकते हैं मैंने यहाँ फूलों के नाम की सूची बनाई हुई। आप सभी को भी प्रश्न एक का उत्तर अपनी नोटबुक में लिखना है कि चित्र कौन कौन से दिए गए, फूल के नाम भी लिखने हैं। तो पहला चित्र है गुड़हल, सूरजमुखी, मोगरा, चंपा, गुलाब, चमेली और गेंदा। अब दूसरा प्रश्न है, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। चित्र में जो फूल दिए गए वो सभी तो हमने यहाँ पे लिख लिए और आपने भी चित्र में देखे, लेकिन हमें अब ये कहना है कि इस चित्र में कौन कौन से फूल दिए गए नहीं है उसकी सूची बनानी है। तो हम कह सकते हैं कि गुलमोहर और जूही। इसके अलावा आपको और कोई फूल है जो चित्र में नहीं दिया गया वो भी आप लिख सकते हैं। अब हम चित्र नंबर दो के बारे में जानेंगे। पेज नंबर दो पर दूसरा चित्र दिया गया है। इस चित्र में भी हम देख सकते हैं कि कौन कौन से यातायात के साधन दिए गए, चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो अब हम देखेंगे चित्र नंबर दो, उसके नीचे भी प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले हम चित्र देखेंगे, चित्र में हमें क्या दिख रहा है। तो चित्र में हमें एक बस दिखाई दे रही है, एक ऑटो रिक्शा दिखाई दे रही है। ऑटो रिक्शा में एक इंसान बैठा हुआ है और इसके बाजू में हम देख रहे हैं एक तालाब है। तालाब में जहाज और नाव तैर रही है। उसके बाजू में दो पेड़ दिख रहे हैं और एक घर है। तो हम सब देखेंगे कि चित्र नंबर दो में क्या दिया गया है। चित्र नंबर दो में हमें दिया गया है कौन कौन से चित्र है। तो के बस, उसके बाद है ऑटो रिक्शा, उसके बाद नाव। नाव कहाँ तैरती है? तो के पानी में। उसके बाद का चित्र है जहाज। तो आप सभी ने देखा होगा कि चित्र नंबर दो में क्या क्या दिया गया है। इसके अलावा एक घर भी है और दो पेड़ भी है, उसे भी हम लिख सकते हैं। अब इसके आधार पर हमें प्रश्न के उत्तर देने। प्रश्न नंबर तीन, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। चित्र, दोनों चित्र में देखकर हमें यातायात के साधनों की सूची बनानी है। तो हम देख सकते हैं कि चित्र एक और चित्र दो के साधनों को मिलाना है। हमें कौन कौन से साधन दिए गए तो हम देख सकते हैं, मोटर कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, हेलीकॉप्टर, विमान, रेल, इसके अलावा बस, ऑटो रिक्शा, नाव और जहाज, यही सभी यातायात के साधन है।
घर और पेड़ उसमें नहीं आएंगे। चित्र एक और चित्र दो, दोनों के यातायात के साधनों को मिलाकर हमें सूची बनानी है। प्रश्न नंबर 4, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं। अब हमें चित्र एक और चित्र दो में जो यातायात के साधन नहीं बताए गए उसे हमें लिखना है, उसकी सूची बनानी है। तो हम देख सकते हैं कौन कौन से साधन उसमें नहीं है। तो क्या तांगा, तांगा यानी कि घोड़ा गाड़ी, उसके अलावा क्या नहीं दिया गया है, तो के बैलगाड़ी, बैलगाड़ी हमें इसमें दी गई नहीं, तो हम उसके नाम लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4, चित्र में नहीं है ऐसे यातायात के साधन। प्रश्न नंबर 4, तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन से साधन चित्र में नहीं गए दिए गए हैं, जैसे कि तांगा यानी कि घोड़ा गाड़ी, उसके बाद बैलगाड़ी, बैलगाड़ी हमें इसमें दिखाई नहीं दे रही। उसके बाद हमें कौन कौन सा यातायात का साधन नहीं दिख रहा है, तो देख सकते हैं कि ट्रक, ये तीन यातायात के साधन हैं जो हमें चित्र एक और चित्र दो में दिखाई नहीं देते। इसके अलावा भी आपको कोई और साधन याद हो तो आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। अब आपने जो जो यातायात के साधन हमने लिखे थे चित्र एक और चित्र दो में जो जो यातायात के साधन लिखे है उसे हमें वर्गीकरण करना है। किसमें वर्गीकृत करेंगे, तो हम करेंगे दो पहियों वाले, तीन पहियों वाले, चार पहियों वाले, चार से अधिक पहियों वाले यातायात के साधनों में हम उसका वर्गीकृत करेंगे। प्रश्न नंबर 5, तालिका 1, दो पहियों वाले, तीन पहियों वाले, चार पहियों वाले, और चार से अधिक पहियों वाले।